नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं dilalantop.com। अयोध्या की 2.77 एकड़ जमीन पर विवाद था। इसके तीन दावेदार थे, रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड। निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज हो गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही किसी और जगह जमीन दी जाएगी 5 एकड़, और विवादित जमीन पर दावा माना गया है रामलला विराजमान का। केंद्र से एक ट्रस्ट बनाने को कहा गया है जो विवादित भूमि पर राम मंदिर बनाएगा। लेकिन जब भी हम अयोध्या विवाद के बारे में पढ़ते सुनते हैं तो राम मंदिर से ज़्यादा जिक्र आता है रामलला का। राम तो राम है, भगवान राम जिनके जन्म की जगह को लेकर विवाद था, लेकिन ऐसे में राम के नाम के साथ ये लला शब्द कैसे और कब जुड़ा? पहले समझ लेते हैं कि लला शब्द का मतलब क्या होता है। अजीत वडनेरकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, 28 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, शब्दों का सफ़र नाम का ब्लॉग चलाते हैं। इसमें वो शब्दों की शुरुआत और उनके मतलब के बारे में बात करते हैं। राजकमल प्रकाशन शब्दों का सफ़र पर 3 किताबें प्रकाशित कर चुका है अब तक। अपने ब्लॉग में लाल और लल्ला शब्द के बारे में वडनेरकर ने लिखा है, संस्कृत की लल धातु में लगाव, जुड़ाव और वात्सल्य का भाव है। बच्चों के लिए लाल, लाली जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। लल धातु में मूलतः क्रीड़ा, खेलना, इठलाना, अटखेलिया करना आदि अर्थ छुपे हैं। पुचकारना, प्यार करना, चूमना, आलिंगन करना जैसे भाव भी इसमें हैं जो वात्सल्य से जुड़े हुए हैं। लाल शब्द का अभिप्राय संतान और ख़ास तौर पर पुत्र भी होता है। संतान के अर्थ में ही लल्ला, लल्ली, लल्लन जैसे शब्द इसी मूल से उपजे हैं जिनसे लाड़ किया जाता है। लला शब्द से आया है। लला शब्द हिंदी भाषी क्षेत्रों में छोटे लड़कों को अक्सर लला या लल्ला कहकर संबोधित किया जाता है। लोगों के नाम के आगे भी लाल शब्द जोड़ा जाता है। और अब हमें लौट जाना है रामलला पर। इस मामले में राम के नाम के साथ लला कैसे जुड़ा, ये समझने के लिए हमें जाना होगा 1949 में। तब बाबरी मस्जिद वहाँ हुआ करती थी। 22 दिसंबर की रात मस्जिद के गुंबद के ठीक नीचे राम की प्रतिमा रख दी गई। ये प्रतिमा राम के बाल रूप की थी। अगली सुबह पूरे इलाके में खबर फैला दी गई कि राम लला प्रकट हुए हैं। मूर्ति रखने वाले चूंकि गुंबद के नीचे राम के जन्म की बात को बल देना चाहते थे तो उन्होंने राम के साथ लला लगाया। संदेश ये कि प्रकट हुए राम छोटे बालक हैं, लला है। अब प्रतिमा मस्जिद से निकाली जाए या ना निकाली जाए, इस पर खासा विवाद हुआ। प्रतिमा मस्जिद में ही रही, साल बीतते रहे और केस चलता रहा। 1987 में मामला फैजाबाद कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। रामलला को इस मामले में पार्टी बनाने वाले थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल। जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल रिटायर होकर विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष बन गए थे। साल 1989 में उन्हीं की सलाह पर विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल ने रामलला को पार्टी बनाने की कोशिशें शुरू की थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई। इसमें पहले वादी थे भगवान श्री रामलला विराजमान, दूसरे वादी की जगह नाम था स्थान श्री राम जन्मभूमि, लेकिन याचिका लगाने वाला था एक तीसरा वादी जिसने कहा था कि मैं रामलला विराजमान और राम जन्मभूमि का दोस्त हूँ। ये दोस्त थे जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल। याचिका का मकसद था अयोध्या विवाद से जुड़े मामलों में विश्व हिंदू परिषद को रामलला के दोस्त के रूप में शामिल करना। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल भगवान राम के दोस्त के रूप में कोर्ट में पेश होने लगे। अब ये सवाल उठता है कि राम जो कि खुद भगवान हैं, उन्हें अपने प्रतिनिधि की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1949 में राम नहीं, राम लला प्रकट हुए थे। लला मतलब बच्चा, माने अवयस्क। अदालत में कोई अवयस्क तभी केस लड़ सकता है जब कोई वयस्क यानी कि अडल्ट उसके साथ हो गार्जियन के तौर पर। ऐसे में इतने सालों से भगवान राम नहीं, रामलला केस लड़ रहे हैं अपनी जन्मभूमि के लिए और कानूनी तौर पर विश्व हिंदू परिषद उनका गार्जियन है। अग्रवाल की मौत के बाद 2002 में वीएचपी के ही त्रिलोकीनाथ पांडे रामलला के प्रतिनिधि बनाए गए जो अभी तक कोर्ट में रामलला की तरफ से मौजूद रहते आए हैं। इसीलिए अयोध्या विवाद से जुड़ी खबरों में हम राम मंदिर से ज़्यादा राम जन्मभूमि और भगवान राम से ज़्यादा रामलला के बारे में पढ़ते सुनते हैं। स्टोरी के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी कुसुम ने और कैमरे के पीछे हैं मेरे दोस्त रूहानी।